हेलो गाइस, आज मेरे यूट्यूब चैनल सपनों का स्कूल पर मैं आज कुछ डेकोरेटिव बनाने वाली हूँ, जिसपे मैंने पिस्ता के ये छिलके यूज़ किए हैं और ये कलर्स यूज़ करूँगी कुछ डेकोरेट करने के लिए, ये और ये साइड पे लगाने के लिए, और मैं कुछ क्राफ्ट आइडिया इससे तैयार करने वाली हूँ और उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इनको कलर करते हैं। गाइज, मैं ये गत्ते का बोर्ड यूज करने वाली हूँ, उस पे मैं ब्लैक कलर का चार्ट लगाऊंगी और फिर उसी पे वो मैं क्राफ्ट का तैयार करूंगी। तो ये चार्ट में से मैंने इसको कवर करना है। अब तो गाइज, अब मैंने इस सर्कल की शेप में इस ब्लैक चार्ट को काटना है। मैंने अब इसको फोल्ड करना है, ऐसे ही हमको सारे तरफ से कट कर लेना है ताकि ये सारे तरफ से ऐसे ही फोल्ड हो जाए इजी से। अब हम फेविकोल यूज करके इसको चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम वैसे वैसे कट लगाए जाएंगे जैसे हमारे ये सर्कल पे पूरा फिट आ जाए ये चार्ट। ऐसे हम सारी साइड से ही फोल्ड करेंगे हम इसको। इस साइड से भी हमें उसको फोल्ड करना है। अब इधर भी हम कट लगा लेंगे। देखो, हमारा थोड़ा सा ही रह गया है और उसको भी हम कवर कर देंगे। थोड़ा सा ही रह गया है हमको, ये ही करना है। तो हम अब इसको फास्ट फास्ट काट लेंगे छोटे छोटे पीस में ताकि ये बिल्कुल सफाई से लग सके इसके।
अब जो हमारे थोड़े बहुत कट वाले पीस रह गए हैं उनको भी इसके ही लगा देंगे। देख सकते हैं कि हमारा ये सर्कल है जो बिल्कुल सही बन गया है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब देखो गाइज कि मैं आपको ना इन पे कलर करके दिखाती हूँ। ये देखो बड़ी जल्दी से ही इस ब्रश से कलर हो रहे हैं इनको। ऐसे करके मैं बहुत सारे सेल्स को कलर कर लूंगी जिससे कि हम फ्लावर्स बना सकें। अब गाइज मैं ना आपको ग्रीन कलर करके दिखाती हूँ इन पे। शेल्स को कलर कर दिए हैं। तो अब हम फ्लावर्स बनाने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आप देखेंगे कि कितना अच्छा वेस्ट मटेरियल से हमने कितना अच्छा ना डिजाइन तैयार कर दिया। अब हम दूसरा फ्लावर बनाते हैं। अब हम तीसरा फूल बनाएंगे। हमारा तीसरा फ्लावर भी बन के रेडी होने वाला है। धीरे धीरे हम सारे फ्लावर्स बना देंगे और इसके पत्ते भी बना देंगे।
तो गाइज अब हम इन पे ना ये गोटा पत्ती को यूज करेंगे और उनकी लगा के मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे मैंने ये कट कर लिया है, इसी तरह मैं बाकी भी लगा लूंगी। तो अभी गाइज ये ज्यादा गीला है तो मैं इसको ज्यादा नहीं हिलाऊंगी। तो गाइज हमारा ये बन गया है। अब हम इसके साइड में ही डेकोरेटिव करेंगे इसको, ताकि ये पूरा बन के तैयार हो जाए। हम इसको लगाते जाएंगे ऐसे, हम धीरे धीरे आराम से ये लगाए जाएंगे। आप देखोगे कि कितना ये सभी यूज हो जाएंगे, जबकि है तो ये वेस्ट ही, और हमने वेस्ट मटेरियल से ही ये तैयार कर दिया। और बच्चे तो ये क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए गाइस हमारी ये सारी क्राफ्ट बनके तैयार होने वाली है, थोड़ा सा ही रह गया। अब मैं इसको ना कंटिन्यू करे जा रही हूँ। थोड़ा सा ही और वेट करना पड़ेगा।
तो गाइज आप देख सकते हैं कि मेरा ये क्राफ्ट बनके तैयार हो गया है बिल्कुल। और देखो वेस्ट मटेरियल से मैंने कितनी अच्छी चीज बना दी है। तो आप भी घर पे ऐसे चीजें, वेस्ट चीजें यूज करके आप कुछ भी डेकोरेटिव बना सकते हो, और इससे बच्चों को भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। सो मैं ये वीडियो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।